लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश से कई इलाके अब भी जलमग्न, यमुना में बाढ़ का खतर नई दिल्ली। गुरुवार को दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में हुई मूसलाधार बारिश ने गर्मी से राहत तो दी, लेकिन साथ ही ट्रैफिक जाम और सड़कों पर जल जमाव ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। हालांकि इस बारिश से फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद कम ही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हुई है। मथुरा, आगरा, सहारनपुर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ताजमहल परिसर में भी पानी भरने की खबर आ रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते अब भी दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ लगातार बारिश की वजह से हरियाणा में भी ऐसे ही हाल हैं, जिसके बाद यमुना नगर स्थित हथनी बैराज से आज फिर 1,00,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ गया है, जिसके बाद यमुना का जल स्तर बढ़ गया है और बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जानकारी के अनुसार हथनी बैराज से सुबह 7 बजे 1,15,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद दिल्ली में यमुना का जल स्तर खतरे के निशाना से महज 17 सेमी नीचे रह गया था। दिल्ली में प्रशासन द्वारा बाढ़ का अलर्ट जारी किया जा चुका है। दिल्ली एनसीआर के अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के कई हिस्से, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और राजस्थान में भी जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग की माने तो यह स्थिति शनिवार तक रहेगी। गुरुवार की बारिश में दिल्ली एनसीआर में कई जगह मकान गिर गए, सड़कें धंस गईं। सड़कों, रेल लाइन व रनवे में पानी भरने से यातायात बाधित रहा, ट्रेनों की रफ्तार थमी, फ्लाइट रद्द हुई। दिल्ली एनसीआर में जगह जगह जलभराव हो जाने से आवागमन ठप हो गया। कुछ रूटों पर मेट्रो सेवा भी प्रभावित हुई। मसूरी के कैंपटी फॉल्स में अचानक जल स्तर बढ़ गया है। नोएडा में ट्रैफिक का हाल, दलित प्रेरणा स्थल के पास ट्रक खराब होने से नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक धीमी गति से बढ़ रहा है। DNRD और महामाया फ्लाईओवर पर भी जाम लगा हुआ है। शाहबेरी किसान चौक पर जाम के साथ परथला से लेकर सेक्टर 71 तक ट्रैफिक धीमा है। बारिश के चलते एक दर्जन से अधिक ट्रैफिक सिग्नल बंद पड़े हैं। जानकारी के मुताबिक 100 से अधिक ट्रैफिक कर्मी जिले से बाहर हैं और कुछ VIP ड्यूटी पर हैं, इसलिए भी जाम से शहर जूझ रहा है। अभी केवल 28 से 30 ट्रैफिक कर्मी पूरे शहर में ट्रैफिक संचालन में लगे हैं। मूसलाधार बारिश से दिल्ली सहित हरियाणा के गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर व हापुड़ के कई हिस्से जलमग्न हो गए। हालांकि बारिश से मौसम सुहावना हो गया और गर्मी से राहत मिली। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के वसुंधरा के सेक्टर 4 में तेज बारिश के दौरान दो जगह सड़क धंसने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में दोनों सोसाइटी में रहने वालों को बाहर निकाला गया। सड़क पर दो जगह करीब 30 फीट गहरा और 35 फीट चौड़ा गड्ढा हो गया। सड़कों पर सुबह 8 बजे से ही लोगों को जाम का सामना करना पड़ा। ग्रेटर नोएडा के मुबारकपुर गांव में एक मकान गिर गया। गनीमत रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। पानी में डूबी बाइक 30 घंटे बाद भी 100 से अधिक सड़कें पानी में डूबी। गुरुवार सुबह शुरू हुई बारिश को 30 घंटे से भी अधिक बीत चुके हैं, लेकिन दिल्ली के साथ एनसीआर की 100 से अधिक सड़कें हैं जो अभी भी पानी में डूबी हुई हैं। यहां पर बता दें कि गुरुवार सुबह शुरू हुई बारिश रात भर चली और शुक्रवार अब तक जारी है। उत्तर प्रदेश में बारिश के कारण अलग अलग घटनाओं में 13 लोगों की जान चली गई। तेज बारिश से कई राज्यों में नदियां खतरे के निशान तक पहुंच गई है। तेज बारिश से पंजाब के भाखड़ा बांध के जल स्तर में इस सीजन की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। 24 घंटे में 5.73 फीट जल स्तर बढ़ा है। बांध का जल स्तर 1542.44 फीट तक इस समय पहुंच चुका है। सामान्य जल भंडारण क्षमता 1680 फीट है। उत्तराखंड में 140 सड़कों पर मलबा। उत्तराखंड में बारिश व भूस्खलन से पहाड़ों की लाइफलाइन सड़कें बंद हैं। 140 ज्यादा सड़कों पर मलबा आने से आवागमन प्रभावित है। ऋषिकेश और हरिद्वार में गंगा चेतावनी निशान के करीब है तो कुमाऊं काली नदी खतरे के निशान के पास पहुंच चुकी है। गुरुवार देर शाम यमुनोत्री हाईवे का 50 मीटर हिस्सा धंस गया। यह स्थान यमुनोत्री धाम के अंतिम पड़ाव जानकी चट्टी से 5 किलोमीटर दूर है। इससे अब यमुनोत्री धाम पहुंचना और मुश्किल हो गया है। यात्रियों को धाम तक पहुंचने के लिए 11 किलोमीटर पैदल चलना होगा। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर मलबा गिरने का सिलसिला जारी है। मसूरी में एकाएक कैंपटी फॉल में उफान आ गया। खराब मौसम से कैलाश मानसरोवर यात्रा भी प्रभावित है। 8वें दल गोंजी से आगे नहीं बढ़ पा रहा है।
नौवां दल पिथौरागढ़ और दसवां अल्मोड़ा में रुका है। हिमाचल में मणिकर्ण में पार्वती की सहायक नदी ब्रह्मा गंगा में बाढ़ आ गई है। कई जगह भूस्खलन से मार्ग बाधित हैं।